तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुमको एक बात बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअल में तुम अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हो, अपने वीडियोस को रैंक में लाना चाहते हो, तो तुमको सबसे पहले एक काम करना होगा, ठीक है। सबसे पहले काम यह है दोस्तों, किसी का भी वीडियो देखते हो ना तो वो अपने चैनल पे अप्लाई करो। ये नहीं कि दोस्तों मेरा ही वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तुम किसी का भी वीडियो देखो दोस्तों, अपने चैनल पे जाके अप्लाई करके देखो कि एक्चुअल में उसका ट्रिक काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तुम लोग क्या करते हो कि देखो, आप एग्जाम्पल के थ्रू मेरा वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो से तुम लोग सीख रहे हो कि मैं अपने चैनल को कैसे जो है अपने वीडियो को रैंक करना करूंगा, ठीक है। मैंने थंबनेल में लगाया कि एक वीडियो डालो और अपने चैनल को जो एक ही वीडियो में रैंक कर लो, ठीक है। तो ये तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन तुम क्या करोगे कि मेरा वीडियो देखोगे, फिर तुम किसी और का वीडियो देखोगे, फिर तुम तीसरे बंदे का, फिर चौथे पांचवे, ऐसे करके तुम्हारा दिमाग भाई खो जाएगा कहीं पे और लास्ट में बोलोगे कि भाई सब बेकार है, ठीक है। तो ये सबसे पहले तुम भाई एक अपने थॉट को निकाल दो कि बहुत सारे वीडियो देखने के बाद अप्लाई करूंगा, जिसका जिसका सेम सेम लड़ेगा समझूंगा कि हाँ वो राइट बताया। तो नहीं गाइज, तुम पहले देखो, एग्जाम्पल के थ्रू मेरा ही वीडियो भी देख रहे हो तो अपने चैनल पे अप्लाई करके देखना, उसके बाद तुम बताना कि इस साला जो आकाश बताया था इसका फायदा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तुमको यहाँ पे सारे चीज जो प्रूफ के साथ दिखाया जाएगा कि आप अपने चैनल को कैसे जो है अपने वीडियोज को जो है रैंक में ला सकते हैं, ऊपर सर्च रिजल्ट में ला सकते हैं, ठीक है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ब्राउजर फ्यूचर एंड सजेस्टेड, ठीक है, इसको भी बताऊंगी कि कैसे तुम्हारा वीडियो जो है ब्राउजर में जाएगा, कैसे सजेस्टेड में जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जांपल आपको देना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे देखो मेरा, मैं अपने YT स्टूडियो न्यू चैनल है भोजपुरी का, इस पर मैं अपने क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं रिसेंट में व्यूज जो आ रहे हैं 48 घंटे में, वहां पे जाता हूँ और वहां पे जाने के बाद दोस्तों ये क्या, मैं यहाँ पे वीडियो देख सकते हो दोस्तों, पहला नहीं दूसरा, देखो यहाँ पे दूसरे नंबर पे व्यूज देखो दोस्तों, ये जो है इसके मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका जो है 8300 व्यूज किससे आया दोस्तों, तो सर्च रिजल्ट से व्यूज आया है, ठीक है। 8300 व्यूज जो है सर्च रिजल्ट से आया है, ठीक है। अब ये दोस्तों कैसे आया है, और साथ ही साथ एक और बात बता देता हूँ, तुम लोगों को मैंने बोला था थंबनेल पे कि जो फर्स्ट वीडियो डालो और कैसे रैंक कर गया। तो देखो सबसे पहले मैं अपने वीडियो में जाता हूँ भोजपुरी वाले चैनल पे और इस पे व्यूज देखो, ठीक है, 18000 17000 16000 के करीब इस पे व्यूज है। सो ये तेरे को मैंने प्रूफ दे दिया। अब दोस्तों ध्यान से मेरे चैनल को देख, अभी मेरे वीडियो को भाई तू देख, और जो जो मैंने किया है वो तू कर भाई, और तेरा 100% वीडियो वायरल होगा, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है क्योंकि मैं ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनाता हूँ, लेकिन तेरे को भाई देखना जरूरी है क्योंकि तू अपने वीडियो वायरल करना चाहता है, ठीक है, और अप्लाई करना अपने चैनल पे, भाई 100% तेरे को बेनिफिट होगा, मैं 100% गारंटी ठोक के देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कि जो मैं काम करता हूँ वो मैं ये करता हूँ कि अपना वीडियो जो है बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का बनाता हूँ, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि वो जो है HD 4K 3K ये सब नहीं, बेस्ट क्वालिटी का मतलब ये होता है कि मेरे क्वालिटी कोई भी हो बट मेरे वीडियो का जो भी व्यक्ति देखेगा उसको अच्छा लगेगा ही लगेगा, जो मेरे लैंग्वेज का देगा, जैसे मैं भोजपुरी में वो बनाया था तो भोजपुरी वाले देखेंगे तो उसको अच्छा लगेगा ही लगेगा। साथ ही साथ ये वीडियो किस ट्रेंड टॉपिक पर था, ठीक है, ट्रेंड टॉपिक तुम लोग समझा कि अभी होली आ रहा है तो होली पे मैंने वीडियो बनाया है, तो कोई भी बंदा क्या है कि उसको देख के क्लिक कर देगा क्योंकि रिसेंट में जो होली आने वाला है और भाई होली का मैंने थंबनेल लगाया है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे तेरे को दो फायदे बता रहा हूँ, सबसे पहले क्लिक करेगा कैसे, तो होली का उस पर थंबनेल बिल्कुल होना चाहिए, मतलब ट्रेंड टॉपिक जो भी तू बना रहा है वो क्लिकबेट थंबनेल होना चाहिए। जैसे कि वो क्यों क्लिक किया भाई बंदा, क्योंकि उस पर जो है होली का थंबनेल जो है लगा हुआ है, उसमें रंग वगैरह लगा हुआ है, देख सकता है इधर तू, तो ये जो है क्लिकबेट हो गया। इस पहला फायदा हुआ कि मेरा थंबनेल जो है बिल्कुल क्लिकबेट है। दूसरा ये है कि जैसे ही बंदा क्लिक किया, बंदा क्लिक करने के बाद मेरे वीडियो में गया और वीडियो में जाने के बाद मेरे वीडियो को फुल वॉच किया, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर उसको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक कर देगा, ठीक है, ये मेरा तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट ये है दोस्तों कि वो मेरा चैनल को रेगुलर देखना पसंद तब करेगा जब उसको मेरा वीडियो जो है बहुत ज्यादा पसंद आ गया, ठीक है। ये चार चीज हो गया, ठीक है, और ये चार चीज को तेरे को फॉलो करना है भाई, ठीक है, वो मैं अब तेरे को बताना चालू करता हूँ। सबसे पहले तेरा वीडियो बहुत ही मस्त हो गया, अब दूसरा काम जानता है भाई कहाँ पे आता है, अपलोडिंग के ही समय में दूसरा काम आता है। अगर तेरा वीडियो थंबनेल सारा चीज मस्त है ना तो दूसरा यही तेरा आएगा भाई, अपलोडिंग टाइम में जो तुम लोग गलती करते हो सुधारने की क्या जरूरत है वो मैं तुम सबको अब बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो वीडियो अपलोडिंग करते समय तुमको दो तीन बातों का ध्यान देना बेहद जरूरी है। सबसे पहला है टाइटल, बेस भाई, बेस कीमती है, सबसे पहले इसको अगर अच्छे से डालोगे तभी तुम्हारा वीडियो रैंक करेगा, कुछ भी डाल दोगे नहीं चलेगा, ठीक है। इस पे कुछ भी पहले कैसे डाले, चलो मैं तुमको टाइटल बताता हूँ, ठीक है, ज्यादा इधर मैं समझ रहा हूँ तुम लोग। तो सबसे पहले मैं टाइटल पे क्या लिखना है तेरे को, यूट्यूब पे जाना है तेरे को, ठीक है। जैसे अभी होली चल रहा है तो होली पे मेरा कॉमेडी कैटेगरी का है, ठीक है, तो कॉमेडी पे सबसे पहले मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पे सबसे ज्यादा क्या सर्च होता है। जैसे मैं होली लिखता हूँ ना यूट्यूब पे जाकर होली लिखूंगा,
होली, उसके बाद बहुत सारे नीचे कीवर्ड आ जाएंगे सर्चेबल, ये सब सजेस्ट हो रही है, मतलब ये अभी रैंकिंग में है, तो होली लिखूंगा और होली से जितने भी रिलेटेड नीचे आए ना उन सबको कॉपी करूंगा, कॉपी करके इसको अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ठीक है। ध्यान से देखो और इसको अप्लाई करना, पहले वीडियो को देख लो बाद में अप्लाई करना, ठीक है। उस सारे को कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अभी तुम लोग जाकर देखना मेरे वीडियोज में सारे जो है डिस्क्रिप्शन में है वो सब टाइटल, ठीक है। तो वो मैं जो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों उसमें से जिससे रिलेटेड मेरा चैनल है, जैसे मान लो मैं होली लिखता हूं तो क्या है कि होली ज्यादा लोग सर्च नहीं करते हैं, होली कॉमेडी भी ज्यादा लोग सर्च नहीं करते, सबसे ज्यादा लोग सर्च करते हैं होली स्टेटस, ठीक है, होली सॉन्ग। तो मैं क्या करूंगा अपने टाइटल में कि पहले कुछ भी लिख दूंगा, जैसे कि आज मैं तेरे चोली में रंग लगाऊंगा, ठीक है, ये मेरा पहला हो गया हिंदी में। उसके बाद मैं एक डैश दूंगा, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा कि होली स्टेटस, फिर डैश दूंगा, ये भाई रैंकेड वाला है, ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ होली स्टेटस, ये जो है कीवर्ड जो है रैंकेड वाला है। दूसरा मैं क्या लिखूंगा, जैसे मेरा भोजपुरी में है तो भोजपुरी होली स्टेटस कॉमेडी, ये भी रैंकेड में जा रहा है भाई, देखना तुम ध्यान से, ठीक है। तीसरा मैं क्या लिखूंगा कि भाई यहाँ पे लिख सकता हूँ होली कॉमेडी, ये भी रैंकिंग में जाएगा। और चौथा डैश देके मैं अपने चैनल का नाम दे दूंगा एक के आकाश बूम। अब ये चैनल का नाम देने का फायदा क्या है तेरे को इसी वीडियो में अभी बताता हूँ, ठीक है। नाम देने से ये होता है दोस्तों, जब भी तुम्हारा एक वीडियो चलने लगा, मान लो एक ही वीडियो पे मोस्ट व्यूज आने लगे, एक ही वीडियो पे ज्यादा ज्यादा व्यूज आने लगा, तो क्या होगा दोस्तों कि उसके सजेशन में उस नाम की वजह से तुम्हारा ही वीडियो सजेस्ट करेगा, जो तुम्हारा वीडियो चल रहा है उसके नीचे सिर्फ तुम्हारा ही वीडियो आएगा, और इससे क्या होगा तेरा सारे वीडियो वायरल होने का भाई चांस बन जाता है, ठीक है। ये एक दूसरा फायदा। अब बात तेरे को मैंने टाइटल बता दिया कैसे लगाना है, वायरल सब बता दिया, डिस्क्रिप्शन बता दिया, अब टेक्स्ट को तेरे को क्या डालना है, ठीक है। तो जो तुमने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे टैग लगा रखा है ना, उसी को एक एक कॉपी करके अपने टैग लगा रखा है उसी को टैग में डाल दे तू, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से उठा के छोटी छोटी बना बना के उसको टैग में डाल दे भाई, तेरा वीडियो कंप्लीट। अब तेरा वीडियो उड़ने के लिए रेडी हो चुके भाई, अब उसको तू आसानी से अपलोडिंग कर दे, अपलोडिंग करने के बाद थंबनेल लगा दे भाई, थंबनेल लगाकर उसको तू यूट्यूब पे डाल दे। आज नहीं लेकिन जैसे ही उसका सर्च ज्यादा से ज्यादा आएगा ना, तेरा चैनल पे व्यूज आना बेहद ही चालू हो जाएगा, तेरे वीडियो बहुत ज्यादा रैंक कर जाएगा। अभी मेरा रिसेंट का सारा वीडियो देख भाई, सारा चल रहा है, क्यों? क्योंकि मैं SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छे से कर रहा हूं और इसीलिए मेरा जो है वीडियो रैंक जा रही है। सारे में मैं जाकर देखता हूं तो सर्च से 1000-2000 व्यू जो है आसानी से आ रही है। तो भाई मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेंड टॉपिक उठा, SEO कर, जिस तरह से मैंने बताया इसको फॉलो कर, तेरा चैनल 100% भाई ग्रो होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि भाई तुमको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए। सो लव यू दोस्तों।